हेरी विद्या धरनी दरबार में हरि तो साथ हो जी आए अच्छा साधु संत आए हैं हाँ तो एक काम कीजिए पिया जी क्या वचन भरवाए हैं सुनती जा मेरी बात को सुनाइए और अपना काल जाकर डा कर ले घबरा मत जाना बारी बारी सारी बात तुझे बताऊंगा कौन से तीन वचन भरवाए बताइए महाराज एक सवाल करया भोजन जमा दियो आदर से मन में कोड़ मलाल करया भोजन जमा दियो आदर से मन में कोड़ मलाल करया मेरी होगी बुद्धि भंग रे गोरी मन नहीं बात का ख्याल करया कैसे बेशर में और कुड़े से ये वचन भराए तेरा दान दक्षिणा दो तो कोई ना घबराए विद्या धरनी भी दरबार में तो साधु जी हमारा धीर ध्वज आज हमारे महलों के दीप बुझने वाले हैं महारानी नहीं महाराज लेकिन मैं विनती लेकर के आया हूँ कि ये दिए बुझाने में तू भी मेरा साथ निभाएगी आज मैं अपने घर में अंधेरा करने जा रहा हूँ नहीं महाराज मैं ये नहीं कर सकती मैं बिल्कुल नहीं कर सकती अपने इकलौती संतान को मैं कैसे दान में दे दूं मैं नहीं दे सकती महाराज दान तो हमें देना होगा अभी आपने एक शरत सुनिए कि हमने अपना धीर ध्वज दान कर दिया शरत और भी है किस लिए दान में मांग रहे हैं बेटे को मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारे बेटे का वो करेंगे क्या सुनिए मैं बताना चाहता हूँ
जिमा दो रिन्यू बोले सुप्त धीर धज को इस सिंह की भेंट चढ़ा दो पुत्र बिना कैसे जीऊंगी दिल का हाल बता दो हाय पुत्र बिना कैसे जीऊंगी दिल का हाल बता दो कल साथी के ढोल बजे कल साथी के ढोल बजे थे आज कम के पातर छाए हल्दी बटना उतरा ना बहु बैठी वो दुबकार हल्दी बटना उतरा बहु बैठी वो दुबकार वचन बताए अभी इससे बहुत बड़ी आफत हमारे पर आने वाली है क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक माँ अपने बेटे को इस तरह से कत्ल नहीं कर सकती हमें अपना बेटा खुद चीरना पड़ेगा महारानी खुद चीरना पड़ेगा नहीं, नहीं, नहीं महाराज मैं नहीं कर सकती अभी दिल को कड़ा कर महारानी केवल चीरना ही नहीं और अगर चीरने समय आंखों से आंसू आ गया ना तो वो शेर हमारे बेटे को नहीं खाएगा महारानी ऐसी बातें कर रहे हैं महाराज सुन मेरी बात मैं ये कुछ भी नहीं कर सकती करना पड़ेगा महारानी सुन मेरी बात को सुनाइए अपनी बात महाराज शेर ना जी मैं महाराज सुन सुन के थारी बात पिया तने कपड़ लग्या सारा हेरे सुन सुन के थारी बात पिया तने कपड़ लग्या सारा ने हाथ पैर भी जोड़ लिए मन हाथ पैर भी हले नहीं हलाए
अपने बेटे को दान नहीं देना चाहती। एक काम हो सकता है। क्या? एक काम हो सकता है, दातारों ने वचन मैंने दिए हैं। अच्छा। तू जा करके मना कर दे कि बेटा तो मेरा भी है, मैं दान नहीं दूंगी अपने बेटे को। वो संत वापिस चले जाएंगे, लौट जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना महारानी। क्या? आज तुझे दो चीजों में से एक चीज को चुनना पड़ेगा। या तो तू अपने बेटे को बचा सकती है। अच्छा। या तू आज अपने पति को बचा सकती है। अगर तूने जाकर के संतों से मना कर दिया ना कि हम दान नहीं देंगे, संत वापिस चले जाएंगे, तेरा बेटा बच जाएगा। लेकिन महारानी, ये तेरा पति इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वचन हार होकर के इस दुनिया में जीना नहीं चाहता महारानी। अब तू फैसला कर ले क्या करना चाहती है। अगर पिया जी, हाँ, आपकी आन बान शान मेरे बेटे को दान करने में है, हाँ, तो मैं आपकी पतिव्रता नार, हाँ, आपको चुनना चाहूंगी महाराज। जोरदार ताली। क्योंकि पति रहे तो बेटे और भी हो सकते हैं, अगर पति नहीं रहा तो बेटे कहां से होंगे। पिया जी, मैं आपको वचन हार नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए, मैं आपको वचन हार कतई नहीं होने दूंगी। धन्य है महारानी, तूने आज मेरा मान रख दिया, मेरा सम्मान रख दिया, यही उम्मीद थी। सुन, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं पतिव्रता, मैं पतिव्रता नारी धर्म की नहीं करूंगी हानि। मैं पतिव्रता नारी धर्म की नहीं करूंगी हानि। अभी जाके उससे भी पूछ लिए, घर बैठी से बहू आई, जोरदार ताली।